यहाँ पे हम क्लब हाउस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्क एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हम हर घर पे आपको इंडिविजुअल वाटर सप्लाई के लिए समरसेबल प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा फैमिली पहले से आकर के रह रहे हैं। डेवलप आपका एयरपोर्ट भी देख सकते हैं, नियर बाई में है हमारे पास। और दूसरी चीज है कि सबसे अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाती है आपको, 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस तरह का नेशनल हाईवे मिल जाता है कि विदाउट ट्रैफिक आप लखनऊ में कहीं भी आ जा सकते हैं। 22 फीट का फ्रंट आता है और 50 फीट का डेप्थ रहता है। ठीक है। प्लॉट एरिया 1100 स्क्वायर फीट रहेगा, बिल्डअप एरिया इसका 1535 स्क्वायर फीट का आ जाएगा। हाँ। इसमें हम 3 BHK ड्यूप्लेक्स मकान आपको पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं। हाँ। पूरी टाउनशिप देख सकते हैं, काफी बढ़िया टाउनशिप इन्होंने बना रखी है। तो भाई इस टाउनशिप से हमें कुछ मकान दिख रहे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसी से हमें याद आया कि क्यों ना हम लोग कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे चर्चा। तो हम ओरियंट बेल की ISI मार्क टाइल्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जितने भी हम आपके स्विच एंड बोर्ड यूज कर रहे हैं वो एंकर और पेंटा की यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जितना भी पेंट वर्क यूज कर रहे हैं नैरोलैक और बर्जर का यूज कर रहे हैं, तो आ जाते हैं चाहे वो आपका LPS हो, DPS हो, मिलीनियम हो, केंद्रीय विद्यालय हो। जैसे कि अमौसी एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नगर और कृष्णा नगर, ये सब 4 से 5 किलोमीटर की रेडियस में आपको मिल जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज रूट्स व्लॉग। कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग बहुत चीजों और एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रूट्स व्लॉग लाता है प्रॉपर्टी घर बैठे बिना किसी ब्रोकरेज के। शुरू कर देते हैं भाई आज की वीडियो, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट लेकर के आए आप सबके लिए, जहाँ पे आपको छोटे से लेके बड़े हर साइज के रेडी टू मूव हाउसेस मिल रहे हैं और एक ऐसी लोकेलिटी जो पहले से डेवलप्ड है, 100+ फैमिलीज यहाँ पे रिसाइड कर रही है। आप देख सकते हैं पूरी सोसाइटी है, डेवलप्ड सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी है। सारी डिटेलिंग बताएंगे, पहले बता देते हैं कि जगह कहां पर है। तो हम लोग अभी हैं शारदा नगर विस्तार योजना ओमैक सिटी बिजनौर लखनऊ में, और बिजनौर में रेडी टू मूव हाउसेस की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसीलिए आप सबके लिए लेकर के आ गए आज स्वप्निल इंडिया की तरफ से शारदा नगर विस्तार बिजनौर रोड पे लखनऊ में पूरी ऐसी सोसाइटी जो फुल्ली डेवलप्ड है। स्वप्निल इंडिया की तरफ से मेरे साथ जुड़ेंगे जो हम लोग को पूरी डिटेलिंग बताएंगे प्रोजेक्ट की, सारी चीजें उनसे अच्छे से समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे अच्छी प्राइसिंग में आप सबके लिए रेडी टू मूव हाउस लेकर के आए। तो फ्रेंड्स, हम लोग हैं स्वप्निल इंडिया के साथ आज, क्या नाम है हमारे आज के प्रोजेक्ट, आशुतोष शुक्ला जी हमारे साथ, जो हम लोग को पूरा प्रोजेक्ट विजिट कराएंगे, एक सैंपल हाउस भी दिखाएंगे। सबसे पहले जानना चाहते हैं प्रोजेक्ट का नाम बताइए आशुतोष जी। स्वप्निल सौभाग्य। ठीक है, इसकी लोकेशन आप एक बार फिर से बता दीजिए व्यूअर्स को, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो लोकेशन में, क्योंकि ये आपका शहीद पथ से जैसे ही आप आएंगे ओमेक सिटी बिजनौर रोड पड़ता है। जी जी। बिजनौर रोड पे आगे आने के बाद आपका 500 मीटर बिजनौर रोड पे कंटिन्यू चलेंगे शहीद पथ से, तो लेफ्ट हैंड पे आपका एक रॉयल सिटी गेट आ जाता है। जी। रॉयल सिटी गेट के अंदर ही आकर के हमारा प्रोजेक्ट है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो ओमेक सिटी के जस्ट बैक में हमारा प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट आपका साइट ऑफिस भी, जी हमारी साइट पे ही ऑफिस हमारा अवेलेबल है, आप आकर के हमें दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी साइट विजिट फ्री में प्लान कर सकते हैं। तो भाई फ्री में साइट विजिट प्लान कर सकते हैं, इनकी साइट पे ही इनका ऑफिस है, आराम से आप बैठ के सारे अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप बताइए क्या लेकर के आए आज आप व्यूअर्स के लिए। देखिए, हम लोग बिजनौर में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। अगर बात करें बिजनौर में तो इससे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक बिजनौर में नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी एमिनिटीज हम यहाँ पे ये दे रहे हैं आपको कि 40 फीट का फ्रंट रोड दे रहे हैं। ठीक है। पूरे बिजनौर में आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। दूसरी चीज, यहाँ पे हम आपको इंटरनल लोड 30 फीट की दे रहे हैं, जो कि आप काफी सफिशिएंट देख सकते हैं, खड़ी होने के बाद में भी काफी स्पेस बचता है, काफी स्पेस गाड़ी निकाल सकते हैं इसके बाद भी। जी। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग जो इतनी भी टाउनशिप कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास रेडी टू मूव अंडर कंस्ट्रक्शन, प्लस आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चेंजमेंट कराना चाहें। हाँ। तो आप इजीली अपने अकॉर्डिंग चेंजमेंट भी करा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा क्या मॉडर्न एमिनिटीज में क्या क्या मिल रहा है हमें? यहाँ पे हम क्लब हाउस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्क एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हम हर घर पे आपको इंडिविजुअल वाटर सप्लाई के लिए समरसेबल प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा फैमिलीज पहले से आकर के रह रहे हैं और डेवलप्ड सोसाइटी में दे रहे हैं, सिक्योर्ड इनसाइड में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी। इसके पहले आपने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट डिलीवर किया है सक्सेसफुली, काफी सेटिस्फाई है लोग वहाँ पे, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली मैम, हम लोग 2013 से वर्क कर रहे हैं, हमारी कंपनी जिसका नाम है स्वप्निल इंडिया, ये पिछले 2013 से वर्क कर रही है। 2013 से लेकर के 2024 तक टोटल हमें 11 साल हो चुके हैं और 11 सालों में हम लोगों ने टोटल 11 प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखे हैं। अच्छा। सबसे जो ज्यादा हम लोगों ने बड़ा प्रोजेक्ट किया है, जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग खड़े हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये 600 मकानों की टाउनशिप है जहाँ पे हमने लगभग 450 मकान बना दिए हैं। आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे 40+ फैमिलीज यहाँ पे बिलोंग कर रही है और
अदर 90 प्लस फैमिलीज को हम नेक्स्ट 6 मंथ में पोजीशन देने जा रहे हैं। इस जगह पर काफी अच्छे इन्होंने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और हम ये जानना चाहते हैं जिनको आपने डिलीवर किया वो काफी सेटिस्फाई हैं, खुश हैं। अगर कोई क्लाइंट आते हैं, व्यूअर्स आते हैं तो आप उनसे भी मिलवा सकते हैं, उस कॉलोनी को भी आप विजिट करा सकते हैं। आप यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं, आप कभी भी आकर के यहाँ पे साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाकी जो फैमिली रह रहे हैं उनसे आप रिव्यू भी हमारे ले सकते हैं और आप खुद भी गूगल पे जाकर के हमारे रिव्यूज देख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने आए एक सैंपल हाउस जो कि ऑलमोस्ट फिनिशिंग के ऊपर ही है, थोड़ा बहुत काम इसमें बचा हुआ है, तो आशुतोष जी बताना शुरू करिए। ये हमारा 1100 स्क्वायर फीट का सैंपल हाउस है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें हमारा 22 फीट का फ्रंट आता है और 50 फीट का डेप्थ रहता है। ठीक है, प्लॉट एरिया 1100 स्क्वायर फीट रहेगा, बिल्डअप एरिया इसका 1535 स्क्वायर फीट का आ जाएगा। हाँ। इसमें हम 3 BHK ड्यूप्लेक्स मकान आपको पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं। हाँ। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे हम 2 बेडरूम्स, 2 वॉशरूम्स प्लस ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, किचन, पार्किंग पोर्च, वाइड लॉन, जैसे सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको अंदर इनसाइड दिखाना चाहूंगा। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको पार्किंग पोर्च दिखा देता हूँ। यहाँ पे 15x10 का पार्किंग पोर्च आ जाता है 1100 स्क्वायर फीट प्लॉट पे। इसके बाद 8 फीट का वाइड लॉन आ जाएगा जिसमें आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं और इजीली यहाँ पे आप अपनी कोई भी एसयूवी कार या सेडान कार पार्क कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे एंटर करेंगे ड्राइंग रूम। ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया। ड्राइंग रूम के ऊपर हम पूरा आपको पॉटलिंग एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल दोनों आपका कंबाइंड रहता है। ठीक, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, ये आपका ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल कंबाइंड आ जाएगा। इन फ्यूचर आप इसे सेपरेट करना चाहे ड्राइंग रूम तो इसमें कॉटन लगा करके सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारा एलसीएम किचन आ जाएगा जिसमें हम टॉप पे आपको पूरा ग्रेनाइट वर्क करके प्रोवाइड करेंगे, 2.5 फीट तक डिजिटल टाइल्स कंप्लीट करके देंगे, प्लस यहाँ पे आपके सीलिंग फिटिंग, सैनिटरी वर्क, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, सारी चीजें हम आपको कंप्लीट करके देंगे। इसमें टाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग टाइल्स और डिजाइन चूज कर सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा एक कॉमन टॉयलेट आ जाता है, ये देख सकते हैं जो कि वेस्टर्न पैटर्न पे है। इसमें सीट इंडियन वेस्टर्न जैसा भी आप कस्टमर की डिमांड होगी अपने वो कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। यहाँ पे आप टाइल्स जो 7 फीट तक की लगी है इसका भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, अपने अकॉर्डिंग कलर डिजाइन चूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कस्टमर अपने अकॉर्डिंग कलर पेंट भी चूज कर सकता है। आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक बेडरूम आ जाता है, फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पे हम 13x10 का रूम दे रहे हैं जिसमें काफी सफिशियंट स्पेस आ जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेस की, एक बेडरूम में एक आप बेड डालने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपका मिल जाएगा। ठीक है, और इसी से कनेक्टेड रहेगा आपका OTS पॉइंट जो कि वेंटिलेशन पॉइंट होता है। हाँ। दोनों रूमों को प्रॉपरली वेंटिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्रॉपरली वेंटिलेट करता है और दोनों से कनेक्टेड वॉशरूम इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि दोनों रूम के लोग वॉशरूम इसमें दोनों रूम से पर्सन आपको यूज कर सकता है। बाकी अगर किसी को पर्सनली एक रूम से अटैच वॉशरूम चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो इधर से हम लोग अब दूसरे रूम की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफी स्पेसियस और बड़ा रूम है, काफी स्पेसियस, यहाँ पे फॉल सीलिंग है दोस्तों। हाँ बताइए, यहाँ पे हम इस रूम का साइज जो दे रहे हैं आपको वो 10x12 का है। ठीक है, क्योंकि काफी स्पेसियस रूम है, इसमें 7x7 का आपका एक बेड आ जाएगा, उसके साथ में भी काफी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे हम चलेंगे तो आपको दिखाते हैं, एक रूम एक वॉशरूम फर्स्ट फ्लोर पे भी देते हैं जो कि काफी स्पेसियस रूम रहता है और उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। बिल्कुल रेंट आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका अच्छा रेंट मिल जाता है प्रेजेंट टाइम पे। अगर हम बात करें केवल ग्राउंड फ्लोर की तो 8,500 रुपए आपका ग्राउंड फ्लोर का, और पूरा मकान आप उठा देते हैं तो आपका करीब 10,000 से 12,000 रुपए का रेंट यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो भैया चलिए ऊपर चलते हैं। बिल्कुल मैम, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा हम SS की 304 ग्रेड की रेटिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए, हम लोग आ चुके हैं ऊपर जहाँ पर मिल रही है आप लोगों को शानदार बेल्कनी और यहाँ से आपको पूरी सोसाइटी दिख रही है और आसपास देखिए फुल्ली रिहायशी एरिया है, चारों तरफ आपको मकान ही मकान दिख रहे होंगे। बिल्कुल, फुल्ली डेवलप्ड एरिया के बीचों बीच में हम लोग हैं, तो यहाँ पे चलिए शुरू करिए आशुतोष जी बताना। मैं आपको बता दूं, नीचे तो हमने 2 बेडरूम्स दिए और 2 वॉशरूम दिए जी। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद में आपका 3 फीट बालकनी एरिया जाता है जहाँ से आप ओवरऑल पूरी टाउनशिप का व्यू ले सकते हैं। बिल्कुल, इसके बाद में आपको 7 फीट लॉबी एरिया स्पेस मिल जाता है जो कि कवर्ड रहता है। इसके बाद में ऊपर स्पेसियस रूम मिल जाता है यहाँ पे जो हॉल साइज जी, ये हॉल साइज का रहता है जो कि काफी स्पेसियस रूम है। यहाँ पे 5x7 का अपने बेडरूम आता है जी, 5x7 का इंडियन जैसे जैसा भी क्वालिटी चाहेंगे वो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं।
और इधर आ गई हमारी विंडो जो कि छत की तरफ खुल रही है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं छत पे और यहाँ से भी आप पूरी टाउनशिप देख सकते हैं, काफी बढ़िया टाउनशिप इन्होंने बना रखी है। तो भाई इस टाउनशिप से हमें कुछ मकान दिख रहे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी से हमें याद आया कि क्यों ना हम लोग कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे चर्चा। व्यूअर्स का सबसे ज्यादा सवाल आता है कि मैम रेडी टू मूव मकान लेते वक्त थोड़ा सा नर्वस हम लोग ये होते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी क्या नहीं होगी, तो स्वप्निल वाले कैसा कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट, हम लोगों ने ट्रस्ट बिल्ड किया है मैम पिछले 11 सालों में। यहाँ पे आप पीछे आप देख रहे होंगे ऑलरेडी जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ। यहाँ पे आप रैंडमली कभी भी आकर के विजिट अपनी प्लान कर सकते हैं और आकर के हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप ये देख सकते इधर साइड में अंडर कंस्ट्रक्शन मकान आपको दोस्तों दिख भी रहे होंगे। हाँ जी, अब मैं आपको बता देता हूँ हम लोग सॉइल लेवल से स्टार्ट करते हैं जिसमें आपकी 4 फीट की पिलर कास्टिंग होती है, वहां से स्टार्टअप करते हैं और टोटल नंबर अब 16 पिलर पे हम मकान बनाते हैं। उसके बाद में हम टाइबिम का काम करते हैं, टाइबिम के बाद में हम वॉलिंग का काम करते हैं, वॉलिंग के बाद में हम आपका जो है लेंटर का काम करते हैं, लेंटर के बाद में हम फिर आपका जो है आपका ब्रिक का वर्क करते हैं। ठीक है। आफ्टर ब्रिक वर्क हम स्लैब का वर्क करते हैं, स्लैब के बाद में हम आपका जो है फर्स्ट फ्लोर का वर्क करते हैं स्टार्ट, फिर हम फर्स्ट फ्लोर स्लैब पे ब्रिक वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क के बाद में स्लैब का वर्क करते हैं और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में फिनिशिंग का वर्क पे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हम लोग इसमें सरिया यूज कर रहे हैं पिलर्स में वो 12 mm की रॉड सरिया है और 8 mm की रिंग सरिया है जो कि आपकी थ्रीप्लेक्स तक जाने के लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइल्स क्वालिटी की, तो हम ओरिएंट बेल की ISI मार्क टाइल्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जितने भी हम आपके स्विच एंड बोर्ड्स यूज कर रहे हैं वो एंकर और पेंटा की यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज जितना भी पेंट वर्क यूज कर रहे हैं नैरोलैक और बर्जर का यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारी क्वालिटी जो है एक क्वालिटी की लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हमें अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है तभी जाकर के हम और आगे अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छी डिटेल। आप देखिए हम लोग क्योंकि मकान की बात जब करते हैं तो आसपास की नियर बाय लोकेशंस की भी बात करते हैं कि करें। सबसे पहले तो स्कूल आपको नियर बाय में कौन कौन से अच्छे मिल जाएंगे उसके बारे में बताइए। यहाँ पे नियरेस्ट में मैम सारे स्कूल्स आ जाते हैं, चाहे वो आपका LPS हो, DPS हो, मिलीनियम हो, केंद्रीय विद्यालय हो। केंद्रीय विद्यालय को छोड़ करके बाकी सभी स्कूल्स की, चाहे वो LPS हो, DPS, मिलीनियम, सभी की वैन हमारे यहाँ पे जो फैमिलीज रह रही हैं टाउनशिप में वो प्रेजेंट टाइम पे आ रही हैं। अच्छा, ठीक है। दिल्ली पब्लिक की बस आती है, LPS की आपकी वैन्स आ रही हैं। दूसरी चीज केंद्रीय विद्यालय की कोई वैन्स नहीं चलती है तो केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, मैं 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपका केंद्रीय विद्यालय आ जाती है। ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे हम लोग जो टाउनशिप डेवलप करके दे रहे हैं इसमें रिसेंटली जो हमने टाउनशिप डिलीवर कर रखी है स्वप्निल सौभाग्य फेस 1, वहां से बहस मेरे ख्याल से आपका 550 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा जहाँ पे आपका कृष्णा पब्लिक स्कूल आ जाता है, 4-star रेटिंग का है। से बगल में ही आपका मणिपाल पब्लिक स्कूल आ जाता है जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और आपका एक्सिलिया स्कूल आ जाता है जो कि ओमेक सिटी के जस्ट सामने है, गुलमोहर पब्लिक स्कूल आ जाता है जो कि आपका ओमेक सिटी के जस्ट बगल में है। तो ये सारी जो आपकी लोकेलिटी है ये आप देखेंगे कि काफी रिच एरिया में है। दूसरी चीज लोकेलिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, HIG पीपल्स की लोकेलिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा नियर बाय में मार्केट हो गई बिजनौर मार्केट जहाँ पे सारा सामान मिल जाता है जरूरत का, ट्रांसपोर्टेशन 24/7 अवेलेबल है, कन्वेंस हर तरीके का आप आ जा सकते हैं, तो खुद ही आपको पता है। भैया हम लोग को लेकर के आ गए सीधा शहीद पथ पे व्यूअर्स को दिखाने के लिए कि हमारा प्रोजेक्ट कितना बढ़िया जगह पे देने वाले हैं। चलिए बताइए, ये आप खड़े हैं शहीद पथ पे जो कि टूवर्ड सीधा चले जाएंगे तो आप ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जाएंगे, बैक में चले जाएंगे तो आप कमता चौराहे की तरफ पहुंच जाएंगे जो कि फैजाबाद रोड को कनेक्ट करता है और ये आपका कानपुर रोड को कनेक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे ओमैक सिटी है जो कि बिजनौर रोड पे है, ये लिंक रोड गया हुआ है जो कि बिजनौर रोड के लिए गया हुआ है। आप सामने एक्सिलिया स्कूल देख सकते हैं जो कि आपका एक्सिलिया स्कूल भी है, इससे जस्ट बैक में ही एक्सिलिया स्कूल के ओमैक सिटी पड़ता है, ओमैक सिटी के पीछे ही हमारा प्रोजेक्ट है जो कि महज जी। यहाँ पे आपका एयरपोर्ट भी देख सकते हैं नियर बाई में है हमारे पास, और दूसरी चीज है कि सबसे अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाती है आपको, 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस तरह का नेशनल हाईवे मिल जाता है कि विदाउट ट्रैफिक आप लखनऊ में कहीं भी आ जाते हैं। हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली, आप चाहते हैं बताएं कैसे कर सकते हैं हम सब बुकिंग। सबसे छोटा आपका मकान है 900 स्क्वायर फीट का जी। जिसका बिल्डअप कितना बताया था? 1380 स्क्वायर फीट का बिल्डअप है, इससे स्टार्टिंग है। कुछ एक दो साइजेस और बता दीजिए। बेसिकली हमारे पास 900 स्क्वायर फीट का स्टार्टअप है, 900 स्क्वायर फीट, 1100 स्क्वायर फीट, 1250 स्क्वायर फीट और 1500 स्क्वायर फीट तक के दो हाउसेस है हमारे। ठीक है। इसके ऊपर जाना चाहता है कस्टमर तो अपने अकॉर्डिंग ऑन डिमांड हम लोग बनाते हैं यूनिट्स को, वो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकता है। क्या बुकिंग अमाउंट दे सकते हैं? देखिए बुकिंग अमाउंट हमारा मिनिमम 51,000 का है, इसलिए हम यूनिट को होल्ड करते हैं और 80-90% हम यूनिट पे लोन करा देते हैं। फैसिलिटीज हमारे पास बैंक्स की ऑलरेडी अवेलेबल है, हम आपकी 80-90% इजिली फाइनेंस करा देते हैं। ये जो आपने 900 स्क्वायर फीट वाला बताया है जिसका बिल्डअप
1300 है जी, इसकी प्राइसिंग क्या है? ये 42,50,000 की यूनिट है हमारी, 42 लाख का। तो दोस्तों 42 लाख से यहाँ पे स्टार्टिंग है, 900 स्क्वायर फीट का जिसका कवर्ड एरिया इन्होंने काफी बढ़िया बनाया है, 1300 स्क्वायर फीट का कवर्ड मिल जाता है, यानी 1380 मतलब लगभग 1400 स्क्वायर फीट का कवर्ड है। तो काफी अच्छा साइज का आपको मकान मिल रहा है काफी अच्छी कीमत पे, यानी कि 42 लाख रुपए में। इसके अलावा आपकी जैसी डिमांड और रिक्वायरमेंट है इन्होंने बताया, अलग अलग साइजेस के हिसाब से प्राइसिंग भी आपकी अलग अलग है। तो सारी डिटेलिंग जानने के लिए आशुतोष का ये नंबर बराबर चल रहा है, इनको कॉल करिए, इनका कहना फ्री विजिट्स है। तो भाई जब फ्री विजिट्स है तो आपको एक बार विजिट करना बनता है अगर आप बिजनौर में चाह रहे थे कि आपको बढ़िया मकान मिल जाए, है ना। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? बिल्कुल, आप इस नंबर पे कॉल करके स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आपकी चैनल के थ्रू कोई भी क्लाइंट आता है मैम, तो हम उसे सेमी मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड करेंगे, सेमी मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड करेंगे। तो भाई इस चीज का फायदा उठाइए, बाकी थोड़ा बहुत नेगोशिएशंस भी दीजिएगा व्यूअर्स। तो फ्रेंड्स एंड करते हैं आज की वीडियो को, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अच्छी लगा है तो लाइक और कॉमेंट जरूर करिए। जल्दी मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सजेशन जारी रखिए, क्या देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहेंगे। मेरे साथ वीडियो शूट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है और ये भी मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर कॉल करके आप अपना अपना वीडियो शूट प्लान कर सकते हैं। मुस्कुराते रहिए क्योंकि हम सब लखनऊ में, और देखते रहिए रूस ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जरूर फॉलो करिएगा। बाय बाय।